वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं यश प्रताप सिंह हाजिर हूँ अपने यश ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे एक नए ब्लॉग के साथ में। आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? तो मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं तिरुपति बालाजी, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। और मैं आज 24 तारीख है, 24 अक्टूबर 2022, जो कि दीपावली का बहुत बड़ा त्यौहार है। वैसे धुलाई चल रही है, साफ सफाई बहुत रहती है यहाँ पे। देखिए झाड़ू लग रहा है। शिफ्ट से अब हम ऊपर की ओर जाएंगे, पुल से बाहर निकलेंगे। तो हम लोग बाहर के लिए जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन के बाहर बसें खड़ी हैं। ये देखिए ये बसें हैं, देखिए वो धीरे वो लगी हुई है टंकी। तो हम लोग चलेंगे बालाजी की ओर। फाइनली अब हम लोग आ चुके हैं रोड में और देख सकते हैं रोड में ऑटो के लिए पूछा जा रहा है। ऑटो रेलवे स्टेशन बना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, और बहुत काफ़ी बड़ा वो बना हुआ है। आ ही गए तिरुपति बालाजी के दर्शन के लिए उनके धाम पर, उनके स्थान पर। यहाँ पर बहुत ही होटल हैं, ढाबे हैं, जहाँ पे खाना पीना खा सकते हैं आप लोग। और ये देखिए पंजाबी ढाबा। तो दोस्तों हम लोग जाएंगे बस स्टैंड में देखते हैं फिर इसके बाद। यहाँ पर नारियल पानी भी बहुत बिकता है, देख लीजिए नारियल पानी। ये देखिए एक चौक है, जो कि हमारे यहाँ की भाषा में चौराहा बोला जाता है और यहाँ की भाषा में इसको सर्कल बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं चित्तूर ज़िला के, आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िला के तिरुपति बालाजी बस स्टैंड। तो फाइनली दोस्तों हम लोग बस स्टेशन पे आ चुके हैं, लेकिन मैं एक बात आपको बता तो दोस्तों मैं इस बात का सजेशन आप लोगों को दूंगा कि मैं इस वक्त जो है तिरुपति बालाजी बस स्टेशन पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे मेरी एक पुलिस वाले भैया से बात हुई थी जो है कल। तो वो बोल रहे थे कि यहाँ पे चोरी गिरागाटी बहुत होती है, जहाँ पे मतलब ब्लेड भी मार देते हैं और जिससे मतलब गला काट देते हैं और उनका सामान लेके चले जाते हैं यहाँ के बंदे, और यहाँ पे चोर बहुत ही लगते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि जब भी तिरुपति आए तो रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि अपने सामान और खुद की सुरक्षा स्वयं करें। पुलिस पर ही ध्यान ना रखें कि नहीं पुलिस सुरक्षा करेगी, बल्कि पुलिस बल की यहाँ की टाइट है और सख्त है, संख्या के आधार पर मार देती है पुलिस। ये तो मैंने देखा है, क्योंकि जो है मेरे पास एक बैठा था चोर, तो उसको देखते ही पुलिस वाले अंकल जो है उनको उनकी तोड़ दी जो है डंडे मार मार के। लेकिन जो है मैं यही कहूँगा कि प्रशासन पर इतना मतलब बिलीव करना रहे, प्रशासन तो हमारी सुरक्षा कर ही रही है, लेकिन अपने सामान और खुद की सुरक्षा हमें भी करना अनिवार्य है। तो जब भी आए इस चीज़ का विशेष ध्यान दें। आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर काफ़ी चोरियाँ होती हैं, बल्कि यहाँ पे मतलब ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन जो है कुछ लोग हैं जो कि मतलब
फाइनली हम लोग बस में बैठ चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं तिरमला मतलब बालाजी मंदिर, क्योंकि एक पर्वत के ऊपर है तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो हम लोग बस में बैठे हैं। चेक पोस्ट है तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं चेक पॉइंट पे। यहाँ पे हमारे बैग चेक होंगे और फिर अंदर जाने दिया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये है यहाँ का चेक पॉइंट, बहुत बड़ा ही चेक पॉइंट चेक पोस्ट बना रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग बैग चेक करवाएंगे जाके। यहाँ पर बैग और सभी के जो है वो चेक होंगे। ये चेक पॉइंट है, चेक पॉइंट जो गेट का मेन चेक पॉइंट है। तो फाइनली दोस्तों हमने चेक करा लिया है, अपने बैग और पर्स खुद को चेक करा लिया है। तो हमारी बस काफ़ी भीड़ है, देखिए कैसे कर रहे हैं लोग। बस पहुंच चुके हैं बालाजी मंदिर, और जो कि हेलो दोस्तों, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तिरमला बस स्टैंड, जो कि लेकिन जो है सर ने बोला है कि जो है आप सीआरओ ऑफिस जाइए, वहां से आपको रूम का टोकन दिया जाएगा, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा, इसके बाद आप वो टोकन लेके मेरे पास आइएगा, फिर आपको देते हैं। वहाँ पे यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे 500 रुपीज़ चार्जेस पे करने पड़ेंगे, जिसमें चार्जेस ओनली 50 रुपीज़ है, बट चार्जेस जो है जमा करने पड़ेंगे हमको 500, बाकी वापसी खाली करने पे, वापसी होने पे मिल जाएंगे पैसे वापस हो। हेलो दोस्तों, ये देखो बस है यहाँ की, ये फ्री बस है, फ्री सेवा, श्री वीर वारी धर्म रथम, जो कि फ्री बस सेवा है, देख सकते हैं आप, ये फ्री चलती है, ये देखिए फ्री बस सेवा। और ये यहाँ बालाजी तिरुपति बालाजी में है, और भी आपको दिखाते हैं, ये एक ये देखिए बहुत ही सुविधाएं हैं। एक ये जा रही है देखो, फ्री बस सुविधाएं यहाँ की। ये देखिए होटल है, और यहाँ सभी लोग खाना पीना खाते हैं, देख लीजिए। और अब हम लोग पहुँच चुके हैं सीआरओ ऑफिस के लिए, जहाँ पे हमें रूम के लिए बुकिंग करनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग हो नहीं पाई थी। तो हम लोग जो है
CRO ऑफिस में जाके तत्काल बुकिंग करवाएंगे। और ये रुद्राक्ष हैं, रुद्राक्ष हिमालय देखो, ये यहाँ पे बिक्री हो रही है रुद्राक्ष की। खाने का स्टॉल है जहाँ पे खाना पीना मिलता है। यहाँ पे बड़ी भारी मात्रा में मार्केट, ये मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है जो इसमें पहुँच चुके हैं। और देख सकते हैं कितना बहुत ही अच्छा यहाँ का सिस्टम बना कर रखा हुआ है। बस ये है कि थोड़ा ढूंढने में परेशानी होती है क्योंकि तेलुगु नहीं आती हम लोगों को, तो जो हिंदी समझता है उसी से हमें पूछना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत भारी मात्रा में जो है लोग आते हैं। मेरा फर्स्ट चांस है, पहली बार आया हूँ।